फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल मवरिगु। दोस्तों, विदर्भा रीजन के 6 नंबर के कॉलेज की जो कि लास्ट कॉलेज है, 6 कॉलेजेस होते हैं गवर्नमेंट के, जीएमसी गोंडिया के बारे में आज हम बात करेंगे। रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के सारे कॉलेज का सर्टिफिकेट ऑफ मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसका ऑल इंडिया कोटा का क्या सर्टिफिकेट ऑफ रह सकता है और स्टेट कोटा का, दोनों के बारे में डिटेल में बात होगी। पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। उससे पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं जीएमसी गोंडिया विदर्भा का जो कि कॉलेज है, इसका सीट मैट्रिक्स क्या है। टोटल सीट है 150, 51% AIQ 23, 85% स्टेट कोटा, 127 सीट्स। अब बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटा 15% सीटों के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार रहना रह सकता है। पिछली बार इतनी स्कोर पर नहीं मिला था। जनरली 585 to 590, OBC के लिए 585 to 590, SC के लिए 475 to 480 और ST के लिए 455 to 460 करीब स्कोर रह सकता है। अब GMC गोंडिया जो कि लास्ट कॉलेज है और कम स्कोर पे आपको मिलता है, मीन सबसे लास्ट फीलिंग होती है विदर्भा में, तो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ महाराष्ट्र के लिए क्या हो सकता है। जनरल 520 to 525, SC के लिए 445 to 450, OBC के लिए 525 to 530, SCBC के लिए 490 to 495, ST के लिए 310 to 315, VJ के लिए 520 to 525, NT1, NT2, NT3 के लिए 495, 500 और 470 का स्कोर एक्सपेक्टेड है इस बार। दोस्तों, ये केवल एक्सपेक्टेड मार्क्स है, मीन्स आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना मार्क्स कम से कम रख के चलिए, और इससे ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है जीएमसी गोंडिया से। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू मी। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।